वजीर खाजा शाहमहमूद कुरैशी ने कहा भारतीय पायलट को रिहा करने के लिए किसी किस्म का दबाव नहीं था। कहा पाकिस्तान चाहता है खित्ते के अमन को सियासत की नजर न किया जाए। भारतीय गुजरात में जो कुछ हुआ किसने किया, किसकी इमा पर हुआ, हम भारतीय शहरियों से बदसलूकी नहीं चाहते। वजीर खाजा का बरतानवी टीवी को इंटरव्यू। भारतीय एयरफोर्स पायलट अभिनंदन को घर पहुंचा दिया गया। बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक मेजर जनरल रिटायर्ड राज मेहता का कहना है अभिनंदन का मुकम्मल तिबी मुआयना किया जाएगा। सवाल होगा कि पाकिस्तान में कैसा सलूक हुआ, क्या पूछा गया, कोई जिस्मानी अजियत या मनशियात तो नहीं दी गई। भारतीय पायलट की रिहाई अक़वाम मुत्तहिदा का खैर मकदम। तुर्क सदर ने भी पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को सराहा। कहा पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने साबित कर दिया। एंटोनियो गुतरेस ने कहा कशीदा सूरत-ए-हाल में ये बेहतरी की जानिब अहम कदम है। शाकिरला की मैयत कुछ देर में पाकिस्तान के हवाले की जाएगी। अहलेखाना मैयत वसूल करने के लिए वाघा बॉर्डर पर मौजूद पाकिस्तानी शहरी शाकिरला को भारतीय शहर जयपुर की जेल में शहीद किया गया था। एलओसी पर भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेजी जारी है। तत्तापानी, नकियाल सेक्टर, डुबसी गोई, दराए शेर खान और बटल सेक्टर में फायरिंग और गोलाबारी, तीन अफराद शहीद, एक खातून जख्मी, जानवरों को भी नुकसान पहुंचा। भिंबर में भारतीय फोर्सेस की शरीर फायरिंग, पाक फौज का मौसर जवाब। और साहिवाल में देसी घी के नाम पर बड़ी जालसाजी की कोशिश नाकाम। पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ से ज्यादा मालियत का 10,000 किलो नाकिस घी तल्फ कर दिया गया। सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं अबुदर मौजूम। अभी आपको बताएंगे भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इस्तेमाल फायरिंग और गोलाबारी। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय फौज की फायरिंग से 2 शहरी शहीद और 2 जख्मी हुए हैं। भारतीय फौज ने तत्तापानी और जनरल रोड सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया है। पाक फौज ने भारतीय जारियत का भरपूर जवाब देते हुए भारतीय फौजी चौकियों को निशाना बनाया है और ये तमाम सूरत हाल है जिस पर आपको आगाह कर रहे हैं। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इस्तेमाल फायरिंग और गोलाबारी गुज़िश्ता रात से ही जारी है। गुज़िश्ता शाम से ये सिलसिला जो है थमने का नाम नहीं ले रहा। भारत की जानिब से बिला इस्तेमाल फायरिंग और इश्तियाल अंगेजी जो है भरपूर तरीके से जारी है। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय फौज की फायरिंग से 2 शहरी शहीद हुए हैं। उधर देसी घी के नाम पर बड़ी जालसाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। पंजाब फूड अथॉरिटी ने 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत का 10,000 किलो नाकिस घी तल्फ कर दिया है। चेकिंग मुहिम के दौरान साहिवाल में फैक्ट्री का सैंपल लिया गया जिसके बाद ये कार्रवाई की गई और बड़ी कार्रवाई है पंजाब फूड अथॉरिटी की। साहिवाल के इलाके में देसी